अभी आज से कहते हैं हाँ क्या हुआ वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बताओ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ठीक है इसमें फॉर्मूले में क्या होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अब ये वेलोसिटी किसकी ये भागेंगे इनका मूवमेंट वो भी किसका एफर्ट का और लोड का किसका एफर्ट और लोड इनका रेशो अब देखो समझने वाले बच्चे कई इसे बिल्कुल सिंपल वाले तरीके से ये हमारे पास फलग्राम और सिंपल सा डायग्राम ठीक है अगर आप इसे लिवर के कंसिडरेशन ले आओ तो फर्स्ट क्लास लिवर है मैं बताऊंगा क्यों अभी सिंपल लेके चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये मानते हैं एफर्ट यहाँ मान लेते हैं लोड आपने एफर्ट लगाया और आपने यहाँ तक कर दिया यानी ये ऐसे हो गए और लोड को आपने इतना उठा दिया ठीक है तो लोड जो ये अपलिफ्ट हुआ है और एफर्ट ये जो नीचे आया है ये मूवमेंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड समझ में आया नहीं है अब ध्यान से एक चीज को देखो वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी का रेशियो तो ये क्या होगा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम टाइम टू सेम क्योंकि अगर थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे कि अगर मैं इसको जितना नीचे कर रहा हूँ जितने टाइम में उतने टाइम में तो दूसरी तरफ से भी वो ऊपर होगा है तो नहीं भाई ये एक मिनट में वो हम बैठे हैं हो रहा है तो नहीं होने वाला भाई जितनी देर में वो नीचे होता है उतनी देर में दूसरी चीज ऊपर होगी तो टाइम दोनों में सेम लग रहा है जब टाइम आप दोनों तरफ से काटे तो क्या कहलाता है अब कई लोग या कई बच्चे इस चीज को गलत ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ये है नहीं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यही है लोड कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से एफर्ट जहां लगा था और अब कहां लग रहा है उसने कितना डिस्प्लेस करा पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड समझ में अभी हम इसको यूज करेंगे डोंट वरी इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे एफर्ट आर्म क्यों ओ सॉरी लोड आर्म क्योंकि लोड पे तो लोड आर्म यहां एफर्ट की तरफ है तो एफर्ट आर्म फलग्राम से जो डिस्टेंस होता है जहां लोड और एफर्ट रखे जाते हैं उन्हें एफर्ट आर्म और लोड आर्म कहते हैं अभी इनको हम डायरेक्ट डिस्प्लेस करते हैं बट अभी सिंपल आप ये समझो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या है कि भाई एफर्ट कितना मूव करा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है लोड कितना मूव करा अब वेलोसिटीज के लिए हमें बॉडी को मूव कराना पड़ेगा है ना ये मूव कराना पड़ेगा तो वेलोसिटीज ना निकाल के हम सिर्फ क्या उनका कंसिडरेशन में लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट उन्होंने मूव करा हम क्या ले लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट उन्होंने मूव करा सिंपल तो वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन जब आएगी आप ये लिखोगे क्या वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड डेरिवेशन आएगी तो आप ये डायग्राम और ये चीज लिखोगे समझ में आया इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है इज इट हैव एनी यूनिट तो आप लिखोगे नो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट Why it does not have any unit? Because again it's a ratio of velocity. तो velocity का मीटर पर सेकंड ऊपर है तो मीटर पर सेकंड नीचे भी तो क्या हो जाएगा क्लियर तेरी शादी कहते हैं तो अभी वो नहीं कह रहे हैं कोई डाउट है किसी को तो velocity ratio देखो अगर समझ गए बस अब इसको इतना ही समझ के रखना ज्यादा सुनना मत और ज्यादा करना मत समझ में आ गया बस वर्क आउटपुट वर्क क्या होता है हमने पिछले घंटे में पढ़ा था बताओ कि मतलब जब हमने फोर्स लगाई और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ अब हमने कल एक मैकेनिज्म समझा था सिंपल सा कि भाई मान लो ये ऐसे था पड़ता यहाँ पे आपने लोड रखा आपने यहाँ एफर्ट लगाया और आपने तक ये ऐसा कर दिया
सिंपल ठीक है, ये अब लोड यहाँ पहुंच गया ठीक है, और एफर्ट आप यहाँ लगा रहे थे ठीक है, तो अब इसको हटा रहा हूँ इनिशियल पोजिशन। अब ये सिर्फ इसकी बीच की एक पोजिशन है, ये यहाँ कहीं रखा होगा और यहाँ पे आप एफर्ट लगाना चालू कर दें ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एफर्ट डाला yes, मेरा एफर्ट मल्टीप्लाई हुआ या कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, फोर्स मल्टीप्लाई था, स्पीड गेनर था, हमें नहीं पता, बट उसने वही फोर्स को चेंज करा, बढ़ाया या घटाया हमें नहीं पता, बट उसने वही फोर्स को बढ़ा के या घटा के किस पे अप्लाई करा, लोड पे। यही हो रहा है भैया, मैंने वर्क डन करा, मैंने जो एफर्ट लगाया उससे बॉडी डिस्प्लेस हुई yes, तो मैंने वर्क डन करा yes, sir. फोर्स लगाया yes, बॉडी डिस्प्लेस हुई हो गई थी। मशीन ने भी कुछ वर्क डन करा yes, sir. Yes, sir. मशीन ने इस लोड पे फोर्स लगाया और यहाँ से उठा के यहाँ ले गया yes, sir. तो मशीन ने फोर्स लगाया, हमने लोड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, पढ़ना जरा लोड की डेफिनेशन क्या थी, हम जब एफर्ट लगा रहे हैं तब मशीन उस पे मतलब एफर्ट लगा रही है, फोर्स लगा रही है, समझ में आ रही है बात, नहीं जब हम लगा रहे हैं तो हमने तो एफर्ट लगा दिया और बॉडी डिस्प्लेस हुई तो हमने तो वर्क डन कर दिया, समझे या नहीं समझे। अब बॉडी भी मशीन भी क्या करेगी, लोड पे फोर्स को लगाएगी और उसको डिस्प्लेस करेगी। तो जब अगर बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो ध्यान से एक चीज समझो, एक होता है वर्क इनपुट और एक होता है वर्क आउटपुट। अब वर्क इनपुट किसको होना चाहिए, अब आप मशीन के रिस्पेक्ट में देखो, इनपुट वो किसे बोलेगा, मुझे मशीन पे कौन फोर्स लगा रहा है, मशीन आउटपुट क्या दे रही है, लोड। समझ में आया नहीं, आप अपने रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे भाई, अगर अपने रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं तो खर्च कर रहा हूँ, मैं क्या खर्च कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ वो खर्च कर रहा हूँ, और मुझे मशीन से क्या मिल रहा है, लोड पे ताकत मिल रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में नहीं हो रही बात, बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, मशीन के रिस्पेक्ट में देखो उसे क्या मिला बाहर से, एफर्ट। तो जो एफर्ट ने वर्क डन करा उसको हम बोलते हैं वर्क इनपुट, क्योंकि वो इन हो रहा है मशीन, तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ठीक है, वर्क आउटपुट अगेन लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और ये रहा डिस्टेंस। समझे या नहीं समझे, अब मजेदार बात हो रही है सुन लो, क्या वर्क इनपुट इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अगर वो आइडल मशीन है तो yes, अब क्यों है, अब ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब अगर मैंने 100 जूल एनर्जी दी तो वो 200 नहीं बना लेगा, वो 300 नहीं बनाएगा, तुम कहते हैं अभी तो आपने फोर्स मल्टीप्लाई कर, मैंने क्या बोला फोर्स मल्टीप्लाई में फोर्स को बढ़ाएगा एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, फोर्स को बढ़ाएगा वो आप ताकत को बढ़ाएगा, एनर्जी उतनी रहेगी, 100 जूल अगर आपने एनर्जी खर्च करी है तो वो वहां भी 100 जूल ही देगा, बट आपने 100 जूल एनर्जी कैसे बनाई, आप पे दो चीजों पे डिपेंड करता है ना एनर्जी, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया भाई, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो बहुत डिस्प्लेस करा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सोचो डंडी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी डंडी है ठीक है, अब आपने यहां लगाया बल ड्रम ठीक है, अब इमेजिन करो कि यहां से बस इतना आया नीचे, अब स्केल से ड्रॉ करना घर पे जाके, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, फलक्रम बनाया, आपने थोड़ी सी लाइन नीचे की थी परपेंडिकुलर, तो अब दोबारा यहां से क्या बनना था 6 सेंटीमीटर, तो जब तुम 6 सेंटीमीटर की दोबारा से लाइन खींचोगे जो फलक्रम से पास होगी तो कुछ ऐसी जाएगी ठीक है, अभी चैना लेके इतनी ले लेते हैं, कुछ देखा ना तुमने यहाँ पे कितना मूव करा, थोड़ा सा थोड़ा सा, और कितना डिस्टेंस मूव हो गया, बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा ये अगर डिस्टेंस इतना ज्यादा है तो ये क्या लगाएगा, फोर्स क्या लगाएगा, बहुत कम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में सारा का सारा उसने वर्क डन कर दिया। अब इमेजिन करो ये चीज आपका एफर्ट है,
और ये क्या था? लोड। तो अगर आपने यहाँ पे इसे मूव कराया कितने लंबी डिस्टेंस, तो आपने फोर्स लगाया एक न्यूटन, इतना लंबा डिस्टेंस मूव करा, तो आपने कुछ ना कुछ वर्क डन करा। वो वर्क डन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी, एनर्जी को क्या करना है, बैलेंस करना है, तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। यस सर, और यही तो होता है फोर्स मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं कि जितनी हमने एनर्जी लगाई उतनी ही एनर्जी मशीन भी लगा के, अगर वो आइडल है तो, अगर आइडल नहीं है तो, आइडल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब फ्रिक्शन इग्नोर कर दो, भूल जाओ फ्रिक्शन नाम की कोई चीज थी, ठीक है, भूलना मत, सिलेबस में है, ठीक है, नहीं पता चला भूल जाओ, सिलेबस से बाहर कर दी है, उससे भूलना नहीं, मत अभी भूल जाओ कि आइडल मशीन में फ्रिक्शन नहीं होता। बट अगर फ्रिक्शन इंक्लूडेड है तो क्या होगा, आइडल मशीन में तो वर्क इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट होता है, बट रियल में क्या होता है, वर्क इनपुट इज मोर देन वर्क, मोर देन वर्क आउटपुट, ऑब्वियसली। भाई इमेजिन करो यार, कोई भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, ऐसा तो होता ही है, 200 का काम है, 400 तो लगेंगे, 500 का काम है, 100 रुपए की पत्ती तो ऊपर लगा के देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वही वाली चीज, मशीन भी हमारे यहाँ की ऐसी बिगड़ेल है, ठीक है, मशीन पहले ही बिगड़ेल हो गई थी, फ्रिक्शन है ना उनमें। भाई उसने बोला तुम्हें 2000 जूल का वक्त चाहिए, 2100 जूल मुझे दो, पहले 100 जूल फ्रिक्शन खाएगा। तो बेमानी करनी हमें किसने सिखाई है, मशीन, ठीक है, बेमानी हमने मशीन से सीखी है, फ्रिक्शन फालतू ला रही है, हमने पढ़ाई में पढ़ा फ्रिक्शन, हमने आइडल मशीन क्या पढ़ी, जितना वर्क इनपुट जाएगा उतना वर्क आउटपुट जाएगा, बट रियल में क्या होता है, ऐसा होता है। ऐसे ही हमारे सरकारी दफ्तर, यही तो है ईमानदारी, 200 रुपए का फॉर्म मिलेगा जी, जाके देख लो, 200 का कभी फॉर्म ही नहीं मिलने वाला, वो फॉर्म 250 का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट क्या हो गए, आइडल मशीन के क्या होते हैं, इक्वल। बट अगर हम बात करें किसकी, प्रैक्टिकल मशीन की या प्रैक्टिकल सूज में, तो हमारा वर्क आउटपुट, सॉरी वर्क इनपुट जो है वो हमेशा ज्यादा होगा वर्क आउटपुट से, मतलब अगर आप 100 जूल एनर्जी दे रहे हो तो मान के चलो 10 जूल एनर्जी फ्रिक्शन को वर्क करने में चली गई, तो कितनी जूल एनर्जी बच गई, 90। अब वही अप्लाई होगी आगे, आप लोगों ने पीछे एक एग्जांपल पढ़ा था पंप वाला क्वेश्चन, हमने न्यूमेरिकल करा था, जिसमें पंप की एफिशिएंसी बताई थी उन्होंने 60%, 70%, तो 40% कहां जा रही थी, फ्रिक्शन, ये वही तो सही है। ओके, अगर वर्क इधर 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 भाई साहब इधर थोड़ा सा, वर्क इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट फॉर आइडल मशीन, वर्क इनपुट क्या है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वर्क आउटपुट क्या है। अब ध्यान से सुनो, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैंने अभी बताया यहाँ पे इसे फल्क्रम बोलते हैं, ये लोड है तो इसे क्या बोलते हैं, लोड आर्म, क्या बोलते हैं, लोड आर्म, और इसको अब ध्यान से एक चीज को समझना, मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, अगर मोमेंट नंबर ये वर्टिकल अपोजिट है, तो दो अगर एंगल इक्वल है ट्राइंगल्स में, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो गए, ये 90-90 से इक्वल हो गए, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से देखो, ये लोड था तो मैं इसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड लिख लूं, ये एफर्ट आर्म है तो मैं इसे ईए लिख लूं, ये लोड आर्म है तो इसे मैं एलए लिख रहा हूं, लॉस एंजलिस मत समझ लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सिमिलर है, अगर वो सिमिलर हैं तो वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सिमिलर ट्रायंगल्स की, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है साइड्स आर इन रेशियो, साइड्स क्या होती है, रेशियो में। मान लेते हैं इस ट्रायंगल को पहले लिखेंगे, दूसरे ट्रायंगल को बाद में, अब इस ट्रायंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइड कौन सी है, यही, इस एंगल के अपोजिट ये है, तो इसे ऊपर लिख लो, इस ये किसके इक्वल था, इसके, तो इसके अपोजिट कौन है यहाँ पे, वो नीचे लिखो, आपने किसको ऊपर लिखना शुरू करा है, इस वाले ट्राइंगल को, तो 90 का अपोजिट कौन सी है, ये साइड जो हमें बताई, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको ऊपर लिख लो एक्स, और इसमें 90 कौन है, वाई, कोई डाउट है, अब बचा कौन सा एंगल, ये वाले भाई साहब,
इन वाले भाई साहब के अपोजिट में क्या है, ये एफर्ट आर्म, और इस वाले का अपोजिट क्या है, लॉस एंड लोड आर्म। अब इसको देखो, एफर्ट में यहाँ रख रहा हूँ, लोड या लोड को मैंने यहाँ ले गया, एफर्ट को नीचे ले आया, डीई यहाँ रखा और डीएल यहाँ लाया, कोई डाउट है? नो सर। मतलब लोड यही था, एफर्ट को लिया और नीचे रख दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यहाँ था, उसको उठा के डीई के नीचे रख दिया, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। इधर देखो, ये तीनों इक्वल है, मतलब क्या ये दोनों इक्वल नहीं है भाई? अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो क्या पहली और आखिरी को इक्वल नहीं बोल सकता? तो पहली और आखिरी को इक्वल बोल दो। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, इस रेशियो को मैं यहां रख सकता हूँ, ध्यान से देखो, उस चीज को यहां रख सकते हैं, रखो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू लोड अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इक्वल टू, लिख लो, और ये रहा आपका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लेबर का फॉर्मूला। ये कहां से है? एफिशिएंसी वाले तरीके से। समझ में आया या नहीं है? yes, sir. बिल्कुल सिंपल चीज है। अब ध्यान से एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसको कंफ्यूज मत होना इस चीज को, ठीक है? ये मैं भी आपको समझाऊंगा। एक और चीज आप समझो, ये समझ में आया पूरा? yes, भाई देखो, ये मैंने वर्क इनपुट वर्क आउटपुट को इक्वल रख के लाया, ये आपके दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के रेशियो को आप एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म लिख सकते हो, क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो की साइज है। अब मुझे एक चीज बताओ, एमए का फॉर्मूला क्या था? लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। देखो मैंने थोड़ी बनाया तुम ना, तो इससे एक और फॉर्मूला बन गया क्या? अब ये क्यों पढ़े? क्योंकि रियल केस में ये कब अप्लाई हो रहा था? जब आप एक मशीनरी को वर्क करा रहे, मतलब आप उस पर लोड रखते, आप उसके एफर्ट को मूव कराते, तब जाके आपको मैकेनिकल एडवांटेज पता चलता। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी मशीन ऐसा लेना पसंद करोगे जो ऑलरेडी चलाई हुई हो? कोई भी नहीं चाहेगा। मतलब मैं अपनी गाड़ी लेने चाहूँ नहीं शोरूम से, जो 100 किलोमीटर चली हुई है, बोलो मैं तो नहीं ले। मतलब इसके टायर घिस गए हैं, डेंट वेंट पड़ा हो सर, बिल्कुल नहीं है, पागल है, इतना बड़ा डेंट है, 100-150 किलोमीटर चल गए, कह रहे नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो, कूलर दो, तुम किसी दुकान पे जाओ, सब बिल्कुल A1 कूलर है, पर 2 साल से हमारे घर में चल रहे हैं, बिल्कुल A1 है, और पैसे के दो सब बिल्कुल नए के, बिल अभी काट के देंगे आपको, लोगे कोई भी नहीं लेगा। वैसे ही अगर मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमें किसी मशीन का निकालना होता था, तो क्या करना पड़ता था? उस पर लोड रखो, एफर्ट लगाओ, तब जाके हमें उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज पता करना, मतलब उस मशीन को चलाना है, वर्क कराना है, तब जाके आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज बता पाओगे, ठीक है? और मैकेनिकल एडवांटेज पता होगा तभी आप बता पाओगे कि फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड गेनर है, या चेंज इन डायरेक्शन। बेहतर ये नहीं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म निकाल दो, फलक्रम से जहाँ एफर्ट लगाओगे वो दूरी नाप दो, फलक्रम से जहाँ लोड रखोगे वो दूरी नाप दो, दोनों को डिवाइड कर दो, मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ गया। आपने मशीन चलाई भी नहीं और मैकेनिकल एडवांटेज पता चले जाए, जो इंजन जो मशीन में लगते हैं उनको कह बता देते हैं कि भाई इतनी एफिशिएंसी देंगे। गाड़ियों का एवरेज पता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी शिफ्ट का एग्जांपल लूँ, तो मेरी शिफ्ट को बोला जाता था कि 26 का एवरेज तो देगी देगी, 26 छोड़ो 22 भी नहीं दे रही। क्यों? 26 का एवरेज वो किसके बेसिस पर करते? सिर्फ इंजन का। जब ना इंजन पर गाड़ी होती, ना बॉडी होती, ना सीट होती, ना बंदा बैठता, और जब ये सब चीज़ें रख दी जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एवरेज डाउन हो जाता है, ठीक है? ये सब नहीं होता, वो इंजन का एवरेज होता है और उसके बेसिस पर चल रही है। कैसे निकाला? सेम इसी बेसिस पर फॉर्मूला, ठीक है?
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपको मशीनरी को विदाउट वर्क कराए, अगर आपको पता करना है मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है? क्या यही फॉर्मूला, क्या यही सेम फॉर्मूला वी आर का भी नहीं हो सकता? बताओ, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, उससे मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है? तो किसी मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो है, क्या वही मैकेनिकल एडवांटेज भी होगा या नहीं होगा? आइडल मशीन किसका? समझ में आया? हमेशा मशीन का क्या कम होता है, या प्रैक्टिकल मशीन की बात करते हैं, एमए या वीआर? वीआर, क्योंकि एनर्जी फ्रिक्शन में होता है। एमए क्या वो देगी, ठीक है? वीआर क्या है? चलो वो पुली वाले केस में आएंगे, हम कर लेंगे, बट अभी फिलहाल ये चीज कंप्लीट करो, ठीक है? रोके कर लो।